नमस्कार, मेरा नाम है आरजी अंजलि, मैं हूँ रेडियो मिर्च से और आप मुझे देख रहे हैं मुजफ्फरपुर जनता की आवाज में। धन्यवाद। शो के प्रायोजक है माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। भूमियार है 35,000। अब बोलिए किसको किसको क्या करिए, कहा जनता खुद को लड़ा है समाज की मजबूरी में। भूमियार है 35,000। अब बोलिए किसको किसको क्या करिए, भूमियार है 35,000। अब बोलिए किसको किसको क्या करिए, भूमियार है 35,000। अब बोलिए किसको किसको क्या करिए। आज का जो आपने जो भी चुनावी दौरा किया उसमें क्या लगा कि यादव जो बिगड़े हुए थे महागठबंधन की तरफ, क्या आपको सहयोग करेंगे? देखिए, एक्चुअली कल से ही मैं घूम रहा हूँ और आज भी मैं घूम रहा हूँ। कल गांव में गया, कई गांव में गया और आज भी जा रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि महागठबंधन के उम्मीदवार से जो पहले यहाँ रह चुके हैं, लगभग 11 साल तक यहाँ की जनता का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, सब लोग नाराज हैं। एक स्वर से, किसी जात बिरादरी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, यहाँ जितने गांव में गया जहाँ हर समाज हर समुदाय के लोग रहते हैं, एक भी उनके पक्ष में अपना मत देने के पक्ष में नहीं, जिन लोगों से मेरी बातचीत हुई। लेकिन तभी वो जीतने का दावा कर रहे हैं। कौन? वही उम्मीदवार जो है नीचे से फर्स्ट होने का दावा करता है, वो सब कहता है कि ऊपर से फर्स्ट होते हैं, असम नीचे से फर्स्ट होता है। तो वही उम्मीदवार जो लड़ रहा है यहाँ पर, कई को है ना दुकान खोल के बैठे हुए हैं, हाँ, तो उन सब लोगों के मुंह की खानी पड़ेगी 5 तारीख के बाद, 8 तारीख को जब काउंटिंग होगा ना, दिन में तारा नजर आएगा लोगों। विकास का मुद्दा गायब है। नहीं, विकास का मुद्दा है, भ्रष्टाचार का भी मुद्दा है, और खास तौर पर कुढ़नी जो मैंने कहानी सुना, बिहार में इकलौता यहाँ के लोग हैं जहाँ रंगदारी चलती है, सिंडिकेट चलता है, कलेक्शन होता है, चावल में कलेक्शन, गेहूं में कलेक्शन, अंचल में कलेक्शन, थाना में कलेक्शन, जो पैसा नहीं देगा पनिशमेंट उनको मिलना है, किसी का दुकान सस्पेंड होगा, किसी को जेल जाया जाएगा, न जाने कितने लोगों को यहाँ का महागठबंधन का जो उम्मीदवार है जेल भेजा है, जेल, हमारे डायरेक्शन पर काम नहीं किए तुमको जेल जाना पड़ेगा, कई लोग भुगतभोगी हैं। शराबबंदी कानून में भी किस तरह से ऐसे हुए, ऐसे कोई रिकॉर्ड्स हैं, लगातार जनता भी करेगी। अरे देखिए, ये जो सरकार है ना, इसके पास पैसा है कि विकास कराएगी? अभी अपना जो पाप किया है उसे छुटकारा पाने के लिए केंद्र पर आरोप लगा रहा है। कोई भी योजना मैं सबका इस्तेमाल कर रहा हूं और मैं चैलेंज कर रहा हूं, बिना भारत सरकार के सहयोग का नहीं चल रहा है, और भारत सरकार अपनी राशि दे रही है, ये अपना राशि नहीं दे पा रहे हैं जिसके वजह से विकास ठप है, ठेकेदार भाग रहा है, कॉन्ट्रेक्टर, कोई आप निकालिए विज्ञापन, कोई टेंडर देने को तैयार नहीं है चूंकि भुगतान ही नहीं होगा। ये नौकरी की बात कर रहे हैं, ये धोखा दे रहे हैं जनता को, चेहरा दिखा रहे हैं। सरकार आपकी भी थी। अरे सरकार हमारी थी या किसी की थी, उसका मुखिया कौन था? भाजपा की, यही नीतीश कुमार थे। दोनों जगह तो आप ही थे। कौन? वहां तो हम दे रहे हैं, हम तो जनप, हम नहीं देंगे तो ये लोग भिखारी हो जाएगा, हमारे पैसे को तो अपना चेहरा चमका रहा है, चाहे पानी हो, बिजली हो, हेल्थ हो, शिक्षा हो, कोई ऐसा चीज है जहां जिस चीज पर हाथ रखे सब भारत सरकार के कृपा पर काम हो रहा है, रोड हो, आवास हो, मनरेगा हो, कौन दे रहा पैसा भाई? भारत सरकार दे रही है। ये कंगाल हो गए हैं,
इनका शराबबंदी फेल हो गया है, पूरे बिहार का नस्ल बर्बाद हो रहा है सूखा नशा करके। सर विकास के मुद्दे को लेकर कहे हैं जात को गोलबंद करने आए हैं, विकास के मुद्दे को लेकर कहे हैं, जात के मुद्दे पर आए हैं कि जात के गोलबंद। हम तो सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास। कदावर नेता माने जाते हैं, यादवों के कदावर नेता माने जाते हैं, क्या गोलबंद कर पाएंगे आप? कौन? हमने कहा हम सबके बीच में जा रहे हैं भाई, सबका वोट लेने की अपील कर रहे हैं। चूंकि ये बेईमान महागठबंधन जिसने केवल लोगों को धोखा ही दिया है, और यहाँ के उम्मीदवार तो महान हैं, महान है। इनके विषय में एक कहानी मैं सुन रहा हूं दो तीन दिन से। अरे बाप रे बाप, एक से एक एग्जाम्पल दे रहा है भाई। आप तो यही स्थानीय है, आप ही बताइए ना। चंद्रहट्टी में हमारे चैनल ने चलाया है, जो जनता की बात को हमारे चैनल ने दिखाया है, तो हम धन्यवाद देते हैं आपके चैनल को। और चलाइए और दिखाइए, लोगों की भावनाओं को जनता तक पहुंचाइए, क्या बोल रहा है इस उम्मीदवार के बारे में। और हमारे केदार प्रसाद जी माननीय भारतीय जनता पार्टी के जो केदार जी हैं, वो भी 5 साल रहे हैं, पिछले बार कुछ मत से पीछे रह गए थे। बोलता एक फोन कॉल करो तुरंत हाजिर है केदार प्रसाद, एक फोन कॉल। इसलिए मैं समझता हूं कि निश्चित तौर पर हमारा उम्मीदवार, हमारी पार्टी की नीति, हमारी पॉलिसी, भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से बिहार को, अभी जो जिस रोड पर आप चल के आए हैं, किसका है, किसका देन है? पटना से मुजफ्फरपुर आपके तुर्की आने में पसीना छूट जाता था लोगों को, किसका देन है जिस पर 1.5 से 2 घंटे के अंदर आप पहुँच जा रहे हैं पटना राजधानी में? एक एक एग्जाम्पल देंगे। ये जो बिजली पोल था कभी किसने दिया है, ये जो दिखाई है ना बिजली पोल, कभी लगता था ट्रांसफार्मर के लिए? हम तो लंबे काल से जनप्रतिनिधि होने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है, दिया है लोगों ने, मैं तो तरसता था लोगों, वो ट्रांसफार्मर राम कृपा को दिलवा दीजिए, हमारे यहाँ पोल करवा दीजिए, हमारे यहाँ तार करवा दीजिए। ये विकास का धारा नहीं हुआ है, अब तो घर घर हो गया, अब तो हर खेत में बिजली जा रहा है भाई। सीधी बात, वो महागठबंधन अपने जीत का दावा करती है, फेल हो गया। आप क्या कहते हैं? फेल हो गया महागठबंधन, दावा उनका खोखला रह जाएगा। हम जीतेंगे, जनता का विश्वास हमें मिलेगा, भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए के उम्मीदवार को मिलेगा, केदार जी को मिलेगा, उनका टाइट टाइट फिस हो जाएगा। ये सब जवाब जो दिखा रहे हैं, बेरोजगारी दूर करेंगे, दीजिए काम, 1,000 लोगों को पेंशन देंगे, हमारी सरकार आ जाएगी। थी मैनिफेस्टो पढ़ा है राष्ट्रीय जनता दल का, सब जेवाम जितनी जो काम करने वाली आंगनवाड़ी सेविका है, फलाना है, ढिकाना है, सबको रेगुलर कर देंगे, शिक्षक को रेगुलर कर देंगे जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है। कितना वादा किया है, आईना दिखा देगी जनता। अब तो सरकार में आ गए, अब किस सरकार में आ गए, कौन से मुखिया को अपना मुखिया मान लिया, जिनके खिलाफ आग उगलते थे रोज, विष उगलते थे, आज वो अमृत पी रहे हैं, अमृत। उसी मुखिया के ये कर दिया बाबू ने, नीतीश कुमार बाबू ने ये कर दिया, वो कर दिया, नहीं सुन रहे हैं, बस 24 घंटा। एक दिन पहले आपने देखा नहीं, पूरे बिहार में हर जिला पर मार्च हुआ था वर्तमान नीतीश कुमार जी के खिलाफ, और उसके अब नेक्स्ट डे दिन प्रशंसा का पुल बांधा जा रहा है। क्या नैतिकता है भाई, जिस मुखिया को गाली दे रहे हैं नीतीश कुमार जी को, आज उसको दूध पीपी के प्रशंसा कर रहे हैं, पहले पानी पीपी के गाली दे रहे थे, अब दूध पीपी के प्रशंसा कर रहे हैं, कुछ लोग दारू पीपी के प्रशंसा कर रहे हैं, दारू बंद है, बताइए हमको, फेल है। अरे आप ही ना, आप ही के जिला में ना 9-10 लोगों की जान चली गई, ट्रक ड्राइवर दारू पिए हुए था कि जीप ड्राइवर, वैशाली के मामले में मैं गया था वहां पर, कुछ लोग जो है अपने आप को किसी समाज के मसीहा कहते हैं, गए उसके आंख के आंसू को पोछने के लिए। आज तक मुख्यमंत्री जी को फुर्सत हुआ कि इनके गलत नीतियों के कारण
आठ आठ लोगों की जान चलेगी, सब मासूम बच्चे थे 10 साल 12 साल का। केंद्र में सरकार बैठी है, बिहार सरकार के गलत योजनाओं से निर्दोष जेल जा रहे हैं, निर्दोष वही जो योजना की वजह से भी पकड़ी भी जा रही है, साक्ष्य प्रमाणित है कि शराब है तब तो जेल जा रहे हैं, तो केंद्र सरकार क्यों नहीं कुछ करती है? सरकार हस्तक्षेप करेगी, कह नहीं कर सकती है सरकार के पास। अरे संघीय व्यवस्था है, सबका संवैधानिक प्रावधान है भाई। बिहार में जब सरकार में थे तो उस समय क्यों नहीं उंगली देखो कौन, जिस समय आपकी हम सरकार में थे तो हम लग रहा था कि अच्छा काम, और हम तो आज भी शराबबंदी के पक्ष में भारतीय जनता पार्टी कल थी, हम तो विरोध में थे, फिर भी इनके उस कार्यक्रम को हमने समर्थन दिया, उस कानून पर अपना मोहर लगाया, मगर वो कानून तो फेल है। आपके समय भी पकड़ी गई है दारू, आपके समय में भी थे 7 साल से। कौन पॉलिसी बनाता है मंडल, विधानमंडल कौन लागू करता है? पीएम डीएम और सीएम। अगर यहाँ फेल्योर है तो उसका कोई, अगर एक व्यक्ति जिम्मेदार है तो वह है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। अगर जिला में प्रशासन फेल है तो उसके लिए एकमात्र कोई जिम्मेवार है तो डीएम है। तो क्या नैतिकता पे बात की जा सकती है? जिनसे ना पूछिए, नीतीश कुमार जी के महागठबंधन वाले से पूछे ही तो कर रहे, तो पूछवा रहे हैं आप तो पूछवा रहे हैं आप अब उनसे न पूछिए आप। अरे कल परसों आएंगे ना यहाँ महागठबंधन के नेता का चल रहा है भाषण, चले जाइए उनसे पूछ लीजिए कि कल जिसको आप पानी पीपी के गाली दे रहे थे आज दूध पीपी के प्रशंसा क्यों कर रहे हैं? आज दोनों नेता एक मंच पर है, जिसने जेल भेजवाया, पूरा राष्ट्रीय जनता दल को बेइज्जत किया, आज उसी को दोनों गलबहिया में गलबहिया मिला करके एक मंच पर भाषण दे रहे हैं। क्या लगता है ये प्रश्न चिन्ह है ना नैतिकता पर? तो ये तो जनता समझ रही है ना, जितना इतना बिहार की जनता उतना मूर्ख नहीं है, सब समझती है। अब ले लेगी 5 तारीख को बदला, दिखा देगी इनको सपना मुख्यमंत्री बनेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे, काहे उप मुख्यमंत्री बन गए भाई? ये सवाल हम नहीं कर रहे हैं, कर रही है जनता, जिसने उनको मैंडेट दिया था, मैंडेट मिला था मुख्यमंत्री बनने के लिए, उप मुख्यमंत्री बनने के लिए नहीं मिला था, पीछे रह गए। अब लगा कि अब तो हम बनेंगे नहीं, कैसी उप मुख्यमंत्री बन जाए, समझौता कर, समझौता हो गया। तो मानते हैं कि समझौता किया, समझौता तो क्या किया है, क्या किया है? भाषण नहीं लगा इनका, सुना दीजिए ना, आपके पास तो रिकॉर्डिंग होबे करेगा, मंच का भाषण, सदन का भाषण, व्यक्तिगत तौर पर बाइट, वो सब दिखा दीजिए दोनों का, एक दूसरे का। लगता है तेजस्वी यादव कमजोर पड़ गए थे ड्यूटी से मैंने। कौन? तो कमजोर नहीं पड़ते तो समझौता करते हैं। अपने सपनों के आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कचारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं, और जहाँ मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कम्प्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर, कॉल 9934753111।